जो बुरकापाल घटना जो 24 अप्रैल में हुई है, जो हमारा पीएलजे का प्लान था कि उस एम्बुस में फंसा कर उनको मारना है करके हमारा प्लान था, लेकिन जो हमारा जो पहले का प्लान में पुलिस वाले नहीं पहुंचे, जो साइड में आकर लोग उनका मतलब काम चल रहा था उनका ऊपर हम हमला किए। दो ही साथी मारे हैं, मतलब शहीद हुए हैं, जो साथी शहीद हुए हैं उनका नाम है, एक 24 पीएल कमांडर अनिल है, एक सरला एलोस कमांडर रवि है। उस हमले में पापाराव के पेट में गोली लगी थी, क्या ये बात सच है? उस समय जो उसमें तो लगी थी वो अभी सोचते। अरे पीएलजे बहुत जगह में हमला किए हैं, पुलिस वाले के ऊपर हमला भी हुआ है, ये तो चलते ही तो हम संगठित कर रहे हैं, हम राजनीति रूप से इसको संगठित कर रहे हैं। हमारा लड़ाई है यहाँ पर जो शासक वर्ग है मतलब यहाँ शोषण कर रहे हैं, उनसे लड़ाई आप उनके ऊपर हम आरपीएफ जो भी फोर्स है सरकार के, जो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो शासक वर्ग के लिए सुरक्षा के लिए उन लोग दलाल समान्ति साम्राज्यवाद के लिए उन लोग काम कर रहे हैं, काम करते हुए हमारे जनता के ऊपर गरीब लोगों के ऊपर उनका ऊपर हमला करना, पर्जी बुटमेंट मार डालना, हत्या करना, ये सारे वो लोग फोर्स वाले ही कर रहे हैं, उनका ही नेतृत्व में कर रहे हैं, इसलिए हम उन पर हमला कर रहे हैं। जो या आत्मसमर्पण पॉलिसी जो सरकार चला रही है यहाँ पर, यहाँ तो हमारे कुछ एक लोग गए हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देखने से जो हमारे साधारण जनता को यहाँ से जबरन पकड़ कर मतलब सिलेंडर दिखा रहे हैं, उस दिन मतलब यह यही मई में जो सिंता गुप्पा का पंडा है, वो सीपीआई लीडर है, उसको भी पकड़ के ले जाकर सिलेंडर करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो हमारा कोई संगठन का सदस्य नहीं है, अपन नहीं करेंगे, हम आत्मसम्मान के लड़ेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।